से बताना चाहता हूं कि एक बड़ी भ्रामक जानकारी चली है कि कांग्रेस के सभी विधायक इस्तीफा देंगे। ये टोटल फैलाई हुई न्यूज है, भ्रामक न्यूज है। कोई विधायक हमारे इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोग बाय इलेक्शन जो होंगे जिनमें 22-24 सीटों पर, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी विधायक दृढ़ता के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और फिर बहुमत में हम लोग आके सरकार बनाएंगे। देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि हमारे विधायकों को कैद करके उन्होंने बेंगलोर में रखा, अपने विधायकों को कैद करके रखा, स्वतंत्रता किसी को नहीं दी कि वो आकर बात करे, सारे विधायकों के आज जाके आप शाम को इंटरव्यू लेंगी तो मैं समझता हूँ कि आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने दुखी हैं, उनके परिवार के लोग कितने दुखी हैं। आज मैं आपके माध्यम से हमारे एक भूतपूर्व साथी, मतलब जो विधायक थे जिनका इस्तीफा भी हुआ है, उनके परिवार के एक बच्ची ने आज सुसाइड करा, सुरेश रतखेड़ा जी। मैं अपनी सभी साथियों की तरफ से शोक संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं कि बड़ा दुखद क्षण रहता है परिवार में, इस तरह की राजनीतिक घटनाएं उठापटक होती हैं तो परिवार पे भी उसका असर आता है, बच्चों पे भी असर आता है। पर ये बिल्कुल भ्रामक जानकारी है कि सब लोग इस्तीफा देंगे। निश्चित रूप से सभी लोग कांग्रेस के विधायक, अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के सारे विधायक पत्रकार वार्ता लेंगे और स्थिति जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा उसका पालन करेंगे। पानसा जी।